Hi friends, today in this video I will show you how to make this high amp adjustable DC volt and ampere controller circuit at home. You can easily control voltage and current through this circuit, 3 amp to 5 amp maximum. So keep watching the video. तो चलिए पहले सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। यह है ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज एसी से लो वोल्टेज एसी जनरेट करता है, उसके बाद फुल ब्रिज रेक्टिफायर के मदद से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और दो कैपेसिटर के मदद से फिल्टर हो जाता है डीसी में। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.2 ओम का एक रजिस्टर यूज़ किया है 5 वाट का, जो कि इस पूरे सर्किट का जो एम्पियर है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट किया है 2SC5200 ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन के साथ, जो कि एक हाई एम्प का ट्रांजिस्टर है। उसके बाद पॉजिटिव जो आउटपुट है एक रेजिस्टर के मदद से LM317 वोल्टेज रेगुलेटर चिप के साथ कनेक्ट है, जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर चिप है, आपको पता ही है। उसके बाद मैंने और एक ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है ताकि मैं करंट को कंट्रोल कर पाऊँ, जो कि इस ट्रांजिस्टर का जो मेन ट्रांजिस्टर है उसके बेस पिन के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद एक डायोड की मदद से आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा दिया हूँ। उसके बाद एडिशनल में एक LM7812 का जो वोल्टेज रेगुलेटर चिप है उसको यूज किया है, ताकि मैं जो डीसी वोल्ट एंड करंट मीटर है डिजिटल उसको कनेक्ट कर सकूं और फैन को भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा। उसके बाद सारे कंपोनेंट को मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो चलिए एक एक करके लगाते हैं और आपको बताता हूँ। ये है LM317 वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर चिप। इसके मदद से 1.5 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट के बीच किसी भी वोल्ट पे सेट कर सकते हैं, और इसका जो इनपुट वोल्ट मैक्सिमम है वो 40 वोल्ट और आउटपुट वोल्ट 37 वोल्ट। तो इसका आउटपुट एम्पियर 1.5 एम्पियर है तो कम है, तो चलिए इस एम्पियर को इनक्रीज करते हैं एक एडिशनल ट्रांजिस्टर की मदद से। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक 2SC5200 का NPN ट्रांजिस्टर लिया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। जो इस ट्रांजिस्टर का जो मैक्सिमम एम्पियर है वो है 15 एम्पियर, तो इसको हम 15 एम्पियर पे नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम 3 से 5 एम्पियर के बीच ही यूज़ करेंगे, तो बहुत सफिशियंट होगा। उसके लिए हमें एक हीट सिंक की ज़रूरत है, तो चलिए पहले इस ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पे लगा लेते हैं। उससे पहले ट्रांजिस्टर पे हीट सिंक पेस्ट लगाना ना भूले, ताकि जो हीट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए हीट सिंक और जो ट्रांजिस्टर है वो सेफ रहे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को PCB में इंस्टॉल करते हैं। तो पहले मैं इस ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो चलिए पहले LM317 IC को लगा देते हैं सर्किट में, ताकि सारे कंपोनेंट को इंस्टॉल करने में आसानी हो। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें 4 डायोड। मैंने यहाँ पर 1N5402 का डायोड यूज़ किया है, आप कोई भी डायोड यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई एम्पेयर का होना चाहिए। तो चलिए सारे डायोड्स को PCB में लगा लेते हैं, ताकि हम AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर पाए इस फुल ब्रिज रेक्टिफायर के मदद से। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक रेजिस्टर 2.2 ओम का 5 वाट का, इसके बदले आप 1 ओम का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.2 ओम का 5 वाट का रेजिस्टर यूज किया है। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि 160 वोल्ट 33 माइक्रोफैराड का है, इसके बदले आप 100 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक LM7812 का फिक्स 12 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर चिप। इस रेगुलेटर के मदद से आउटपुट में हम 12 वोल्ट रखेंगे, और इस 12 वोल्ट के मदद से इस सर्किट में यूज़ होने वाले डिजिटल वोल्ट एंड एम्प मीटर को कनेक्ट करेंगे, ताकि जो डिजिटल वोल्ट एंड एम्प मीटर है वो ना ख़राब हो। और इसके साथ और एक चीज़, हम कूलिंग फैन को भी अटैच कर सकते हैं। तो उससे पहले आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल भी।
उसके बाद फिर से हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेना पड़ेगा जो कि 63 वोल्ट 330 माइक्रोफैरड का है। इसके बदले आप 400 माइक्रोफैरड का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस कैपेसिटर को पीसीबी में लगा लेते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है इस सर्किट में लगाने की। अगर मैं सारे कंपोनेंट को एक एक करके लगा के दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सारे कंपोनेंट को इस सर्किट में लगाते हैं। इस सर्किट में मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है करंट को कंट्रोल करने के लिए, S8050 का, जो कि मैक्सिमम 600 मिली एम्प करंट को कंट्रोल कर सकता है, जो कि इस सर्किट के लिए इनाफ है। तो फाइनली मैंने सारे कंपोनेंट को पीसीबी में सोल्डर कर दिया हूँ और हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो येलो वायर से ये है इनपुट का, और इधर जो रेड एंड ब्लैक है ये है आउटपुट का। और मैंने यहाँ पर जो दो पोर्ट छोड़ा है ये है 12 वोल्ट आउटपुट का, जिसके मदद से हम डिजिटल वोल्ट एंड एमीटर को चलाएंगे। और ये है वोल्ट एंड एम्प कंट्रोल के लिए। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 24 वोल्ट 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। इसके बदले आप 3 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है। तो चलिए पहले ट्रांसफार्मर को एसी बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दिया है, पावर को ऑफ रखा है। उसके बाद एक मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के साथ, ताकि मैं वोल्टेज को देख सकूं। उसके बाद सर्किट को कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। और ध्यान रहे, पहले आपको एक फ्यूज के मदद से कनेक्ट करना है इस सर्किट को, ताकि अगर इस सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट रहे तो सर्किट को सेव करेगा और फ्यूज हो जाएगा। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन कर दिया है और आउटपुट वोल्टेज हमें दिखा रहा है 16.5 वोल्ट। तो वोल्टेज को कम कर लेते हैं पहले, देखिए कम कर लिया है। तो स्लोली इंक्रीज करते हैं और आप देख सकते हैं वोल्टेज स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यह है कोर्स कंट्रोल और फाइन कंट्रोल को भी चेक करेंगे बाद में, और करंट कोर्स करंट और फाइन करंट कंट्रोल को भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट के मदद से हमें 35 वोल्ट मिल रहा है मैक्सिमम इस ट्रांसफार्मर के साथ 24 वोल्ट का। तो वोल्टेज को देखिए, मैं फिर से इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए 10 वोल्ट पे सेट किया है। और फाइन कंट्रोल के मदद से आप स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। हम देख सकते हैं मैंने फाइन कंट्रोल के साथ 12 वोल्ट पे सेट कर दिया है वोल्टेज को। तो चलिए एम्पियर को घटा के देखते हैं। पहले मैं कोर्स एम्पियर को घटाता हूँ, देखिए बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही एम्पियर को कम कर दिया था। 100 किलो ओम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर यूज किया है इसीलिए। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एम्पियर को कंट्रोल करने से, क्योंकि अगर हम जब तक लोड ना दे तब तक वोल्ट चेंज नहीं होगा। तो चलिए एक मोटर को कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के साथ और देखते हैं इस सर्किट में कितना एफिशिएंसी है। तो पॉजिटिव को और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ और आप साउंड को सुन सकते हैं। साउंड के मदद से आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये मोटर कितना स्पीड से घूम रहा है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप पाएं।
तो चलिए इस सर्किट के साथ एक 12 वोल्ट का एलईडी को भी लगा के चेक करके देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको मैं सही टाइम पे बता नहीं पाता हूँ वीडियो पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो अगर आपको इस सर्किट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस सर्किट का सर्किट डायग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फुल्ली डिटेल के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस सर्किट का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं और इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एम्पियर को कम कर दिया है और वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। तो एलईडी को डिस्कनेक्ट करते ही जो वोल्टेज है वो सही वोल्टेज पर चला जाता है 12 वोल्ट पे, क्योंकि यहाँ पर करंट बहुत ही कम है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो फिर से मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ और चलिए डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए डिस्कनेक्ट करते ही सेम ही वोल्टेज है, लगभग 12 वोल्ट ही है। तो चलिए इस बार इस सर्किट के साथ एक 3 वोल्ट का एलईडी को भी कनेक्ट करके देखते हैं, इसको भी ड्राइव किया जा सकता है या नहीं। वोल्टेज को कम कर दिया है और एलईडी को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करते ही ये जो एलईडी है ग्लो हो गया। ये बहुत कम वोल्टेज का है तो इसको हमें ध्यान से यूज़ करना है, अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो ये जल जाएगा। तो इसको चलाने के लिए आपको करंट को कम रखना है सबसे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सारे वीडियोज़ को देख पाए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।